हाई गाइज माई नेम इज़ अनिकेत वर्मा आई एम एन आई आई टी बॉम्बे ग्रेजुएट आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी एट ए टी पी स्टार गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं जेई मेन्स की डेटा बनाउंस हो चुकी है जनवरी के लास्ट वीक में जेई मेन्स का सेशन वन होने वाला है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइज एंड आई एम श्योर यू गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों के मन में काफी सवाल चल रहे होंगे कि कैसे हम फिजिक्स का पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं राइट right? इतने कम टाइम में इतने सारे फॉर्मूले इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे करें इसीलिए मैं आपके लिए एक 25 फाइव डेज स्ट्रैटेजी बना के लाया हूँ जिससे कि हम कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स जेई मेन्स के लिए कर सकते हैं तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस और सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं जेई मेन जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है इसका मतलब ये है कि हमारे पास 120 डेज का टोटल टाइम है ठीक है लेकिन आप लास्ट का मंथ रिविजन के लिए रखना क्योंकि आज जो पढ़ोगे वो लास्ट मंथ में आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी दैट मीन्स इफेक्टिवली हमारे पास 90 डेज हैं एंड अगर हम ईच सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देंगे तो इफेक्टिवली हमारे पास 30 डेज हैं फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑल राइट सो गाइज मूविंग ऑन हमें कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें एक बार पेपर के ना की ट्रेंड्स एनालाइज कर लेने चाहिए अदरवाइज कोई भी जो हम स्ट्रेट स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो थोड़ी इनफेक्टिव हो जाएगी विदाउट नोइंग द की ट्रेंड्स ऑल राइट सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट वी हैव सीन इज दैट इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ हैव इक्वल वेटेज ठीक है ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेन्स की वेटेज है फोर्टी सेवन परसेंट इलेवेंथ का था तो नेक्स्ट ईयर ये चेंज भी हो सकता है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आप दोनों किसी को स्किप नहीं कर सकते ठीक है तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि देर इज एन अबंडस ऑफ इजी क्वेश्चन अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले दो तीन साल में और right. इसका मतलब ये है दोस्तों कि पेपर ना बहुत डूएबल हो गया है अगर आप सारा का सारा फिजिक्स का कोर्स पूरा करके जाएं ठीक है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं प्लस जो 30% परसेंट मॉडरेट क्वेश्चन है ना वो भी डूएबल है ठीक है तो उससे हो क्या गया है दोस्तों कि फिजिक्स जो है ना वो परसेंटाइल डिसाइड करने लग गई है अब आप लोगों की इसका मतलब है कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अगर उसमें से आसान क्वेश्चन आया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपका बड़ा नुकसान हो जाए और राइट देर फोर प्लीज ट्राई टू डू ऑल द चैप्टर्स इन फिजिक्स तो इसी के मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ आपके पास एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी है फॉर्मूला बेस्ड है और जो जो जे मेन्स में आए थे और राइट जनवरी 29, 2023 की शिफ्ट वन में आया था ये क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स का क्वेश्चन है ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक ऐसा चैप्टर है जो जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं बट आई वॉन्ट टू शो यू कि कितने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जेई मेन्स में तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि दो एंटीनाज जिनकी हाइट एट्टी है हमसे रेंज पूछिए कि रेंज कितनी होगी जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होने की ठीक है तो दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू अंडर रूट टू रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस अंडर रूट टू रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना ठीक है इसमें रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 फोर किलोमीटर्स होता है और हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना और हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 80 मीटर्स है तो अगर आप वैल्यूज इनपुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो एनसीआर में गिवन है ठीक है अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर को छोड़ दोगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला कभी पता ही नहीं चलेगा और आप इतना इजी क्वेश्चन मिस कर दोगे ठीक है सिमिलरली अगेन फ्रॉम द चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स मैं एक जनवरी थर्टीएथ की शिफ्ट का आपको को क्वेश्चन uh, बताता हूं इसमें हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है ठीक है हम सबको पता है दोस्तों गिवेन फ्रॉम द फॉर्मूले ए मैक्स जो कि हमें वन दिया हुआ है वो होता है कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड प्लस मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड ए मेन जो कि हमें 80 दिया हुआ है वो होता है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड माइनस मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड ठीक है अगर हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है वो होता है ए एम बाय ए सी और अगर हमें साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि हमें पूछी हुई है दोस्तों वो होती है म्यू टाइम्स एसी बाय टू म्यू जो अभी हमने निकाला और एसी जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ठीक है दोस्तों ये हमारा आंसर होगा आप देख सकते हैं कि ये चारों फॉर्मुले हमें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे ठीक है तो अगर हमने कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर स्किप कर दिया तो हमें दो क्वेश्चंस ऐसे जो कि बहुत फॉर्मूला बेस्ड थे वो मिस हो जाते हैं ठीक है दैट मींस इजी क्वेश्चंस हैं तो हम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते ठीक है अब एक और बात हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो यूजुअली इजीियर होता है इसका मतलब क्या कि सेम परसेंटाइल लाने के लिए लाइक राइट की 99th परसेंटाइल लाने के लिए जनवरी 23 के सेशन में हमें ऑन एवरेज अक्रॉस द डेट्स 170 मार्क्स चाहिए थे वेयर इन अप्रैल वही 99th परसेंटाइल के लिए हमें 180 मार्क्स चाहिए थे सेम रिलेशन हमारा नाइन्टी सेवन परसेंटाइल के लिए भी है दोस्तों हमें वन थर्टी मार्क्स चाहिए थे जनवरी में नाइन्टी सेवन परसेंटाइल के लिए ऑन एवरेज वेर एज हमें वन फिफ्टी मार्क्स चाहिए थे अप्रैल सेशन में ऑन एवरेज ठीक है दैट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इज यूजुअली ईजियर सेम परसेंटाइल के लिए लेसर मार्क्स चाहिए होते हैं अब ऐसा क्यों होता है वो उसके कई रीजंस है जैसे कि पेपर शायद आसान होता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्रेस्टिनेट कर जाते हैं वो सोचते हैं में ही बात करनी है, तो अब हम तो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ठीक है थीके? तो स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट चार पॉइंट क्या है वो पॉइंट जिनपे आपको एक्शन लेना है ठीक है सबसे पहली बात तो आप इंटायर सिलेबस कंप्लीट करना ठीक है क्यों क्योंकि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइडर बन रही है आपको कोई भी टॉपिक छोड़ने का अब आ, मौका नहीं मिलेगा ठीक है और दूसरी बात आपका फोकस जो होना चाहिए प्रेपरेशन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिलते हैं उन पे होना चाहिए आप अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस और ट्रिकी प्रॉब्लम्स को छोड़ दो ठीक है इसी के साथ साथ आई वुड रिकमेंड कि आप हमारी ए टीपी स्टार की जो एओटीएस टेस्ट सीरीज है वो प्लीज ट्राई करें इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज अवेलेबल जेई मेन्स के करंट पैटर्न के हिसाब से वेरी वेरी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे एंड यू शुड ट्राई इट बिकॉज दिस विल हेल्प यूर लॉट इन जेई मेन्स राइट सो एंड यू ऑल्सो नो दैट वन ट्वेंटी डेज ही बचे बचें जेई मेन्स को इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ सो देर फोर यू शुड स्टडी एट लीस्ट फाइव आवर्स अ डे इससे कम पढ़ोगे तो शायद बात नहीं बनेगी इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है बट पाँच घंटे आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों दिस कैन मेक और ब्रेक योर करियर और राइट right? और इन पाँच घंटों में आपको जो भी हमें टॉपिक्स हमने आगे डिस्कस करने वाले हैं उनके एटलीस्ट वन फिफ्टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करना है ठीक है अगर वन फिफ्टी

फिर फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट आप सारे टॉपिक्स के ना फॉर्मूले प्लीज मेमोराइज कर लो बेस्ड है तो तो आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए ठीक है है फाइनली स्टे पॉजिटिव गुड न्यूज एवरेज बच्चों के लिए अगर आपने पिछले 1.5 पॉइंट फाइव में ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की हो तब भी आप कैचअप कर सकते हो क्यों क्योंकि पेपर तो आसान है राइट तो आपके और टॉपर के बीच में गैप उतना नहीं रह जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली आज से भी पढ़ना शुरू कर दो तो ठीक है तो प्लीज स्टे पॉजिटिव और प्लीज अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही टारगेट करो क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया वो थोड़ा आसान होता है ऑल राइट फाइनली मैंने यहां पे आपको ब्लॉक्स दे दिए हैं अलग अलग चैप्टर्स के और ये ब्लॉक्स मैंने डिवाइड किए हैं बेसिस द वेटेज एंड द डिफिकल्टी ऑल देखो अगर आप सिर्फ वेटेज और वेटेज के हिसाब से अपने चैप्टर्स डिसाइड करोगे ना कि कौन सा पढ़ना है तो कई बार ऐसा होता है कि वेटेज तो चैप्टर की हाई होती है लेकिन डिफिकल्टी भी हाई होती है तो शायद पेपर में उसका क्वेश्चन हो ही ना पाए राइट तो आपको वेटेज और डिफिकल्टी दोनों कंसिडरेशन में लानी है जब आप चैप्टर की प्रायोरिटी डिसाइड करो ठीक है तो ब्लॉक वन में चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के टीजी करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्जेस ग्रेविटेशन जैसे जिनकी वेटेज भी हाई थी और उनकी डिफिकल्टी लेवल भी जेई मेन में आसान था ठीक है ऐसे चैप्टर्स को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि जब आप अपना प्रिपरेशन का फाइनल फेज शुरू करो तो सबसे पहले ये चैप्टर्स आप पढ़ना सबसे पहले इन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स लाके देंगे आपको जेई मेन में ठीक है फिर ब्लॉक टू है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स रोटेशन ए सी एल ओ एम एस एच एम ये चैप्टर्स की वेटेज हाई है लेकिन इनकी डिफिकल्टी लेवल भी हाई होती है पेपर में इसलिए हमने इनको थर्ड प्रायोरिटी दी है थोड़ी लो प्रायोरिटी है कि ये चैप्टर्स आप बाद में भी कर सकते हो ऑल राइट right. एंड फाइनली देर इज द ब्लॉक थ्री विच हैजूनिट्स डाइमेंशन वर्क पावर एनर्जी सेमी कंडक्टर कम्युनिकेशन ये वो चैप्टर्स हैं जो जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं जैसे सेमी कंडक्टर्स राइट लेकिन देखो आप इनकी वेटेज जो है वो मीडियम है सवाल कम आते हैं इन पेपर इन क्वेश्चन इन चैप्टर्स के लेकिन इनकी जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत आसान होता है ठीक है डायरेक्टली अभी हमने देखा कम्युनिकेशन से डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है तो इनकी प्रायोरिटी हमें सेकेंड लेनी है क्यों क्योंकि इनसे जो आसान क्वेश्चन आएंगे ना हम वो मिस नहीं करेंगे ठीक है ये हमें एक एज देगा बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले और राइट right, तो इनकी प्रायोरिटी हमें सेकेंड देनी है ये चैप्टर हमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी वालों के बात करके जाना है एंड फाइनली देर इज फोर्थ प्रायोरिटी ब्लॉक विच हैजे फ्लूड सी ओ एम इलास्ट्रिसिटी अब इसमें क्या होता है कि इनके जो वेटेज है ना ये भी लो है और क्वेश्चन तो चाहे इजी के आते हैं इजी आते हैं लेकिन आपको इतना टाइम दोगे और क्वेश्चन ही नहीं आएंगे नंबर ऑफ ही लो है है तो फायदा क्या राइट जेई एडवांस में बहुत वेटेज होती है इनकी बहुत सवाल बनते हैं लेकिन जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलिवेंट नहीं है ऑल राइट right. तो फाइनली बेसिस द ब्लॉक स्ट्रेटेजी रोडमेप मैं आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पे इस रोडमैप में बस एक स्लाइड डिविएशन है कि ये लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी ऑल दो ये फर्स्ट प्रायोरिटी के नहीं है मैंने फिर भी आपको बोला है कि आप पहले खत्म कर लो क्योंकि ये जो है ना वो फिजिक्स का बेस है बिना लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी के आप बाकी चैप्टर्स में शायद थोड़ा स्ट्रगल करो और right. तो आप क्या करना जब पढ़ना शुरू करोगे तो इसी ऑर्डर में राइट right? इसी ऑर्डर में आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करना और जितने मैंने डेज लिखे हैं ना जैसे लॉज ऑफ मोशन को आपको एक दिन में खत्म करना है वो आपको ट्राई करने करने के ठीक है और जो क्वेश्चन ना हो उनके सोल्यूशन पढ़ लो राइट right? तो आपको ज्यादा टाइम थ्योरी में नहीं देना है जो चैप्टर आपको टफ लगे उसकी थ्योरी आप चाहे पांच घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो ना अगर तो एक घंटे में थ्योरी खत्म करके आधे एक घंटे में फॉर्मूला देख के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और इजी क्वेश्चन जो आपके स्टडी मटीरियल के हैं उसमें देना है ऑल राइट right, तो वैसे ही एंड थर्मो है वो आपको तीन दिन में खत्म करना है इसमें भी आपको पीवाई क्यूज पे ही फोकस करना है ऑल राइट सिमिलरली मॉडर्न फिजिक्स की भी वेटेज हाई है तो आपको तीन दिन में खत्म करना है ग्रेविटेशन आपको एक दिन में खत्म करना है एंड सो ऑन एंड कीप इन माइंड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन फॉर्मुले ये स्ट्रैटेजी अपनानी है रादर देन गेटिंग इन टू द ट्रैप कि हम लोग थ्योरी पढ़ते रहे राइट right? अब हमारे पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं बचा है दोस्तों अब हमें पूरा फोकस अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाने पर डालना है ऑल राइट सो दिस इज इट दोस्तों मैंने नीचे यहाँ पे एक बफर टाइम भी दिया हुआ है छः दिन का इन केस आपको इन चैप्टर्स में थोड़ा ज्यादा या कम टाइम लग जाए और अगर आप बफर इंक्लूड कर दोगे तो आपका थर्टी डेज में पूरा फिजिक्स हो सकता है ऑल राइट प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड आई एम श्योर दिस विल ब्रिंग यू सक्सेस एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन दैट आर गोइंग टू कम फॉर योर जेई मेन्स एंड बोर्ड एग्जामिनेशन वी आर ऑलवेज देर फॉर यू थैंक्स अलॉट गाइज